मंडला के महात्मा गांधी मैदान में आयोजित जन आशीर्वाद रैली की सभा में, जहां देश के गृह मंत्री अमित शाह का आना हो रहा है, वहीं प्रकृति ने अब पिछले 15 दिनों के बाद बारिश की झड़ी लगा दी है। यद्यपि अतिथि लोग अब तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन पब्लिक को यहां बारिश के कारण आना थोड़ा कठिन हो रहा है। जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान निश्चित रूप से माननीय अमित शाह और देश के प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अब किसानों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे कि गृह मंत्री उनके लिए कितने शुभ भी हैं। वहीं गृह मंत्री अमित शाह इस सभा के दौरान आदिवासियों को अपनी ओर आकर्षित करके अब उन्हें वोट के रूप में प्राप्त करने की जुगत भी बनाएंगे। जहां सनातन धर्म को सुदृढ़ बनाने की बात अमित शाह कर सकते हैं, वहीं आदिवासियों को रिझाने का मामला भी आ सकता है। लेकिन बारिश के इस दौर में अब मंत्री और तमाम अतिथि लोग कब पहुंचेंगे यह कहना मुश्किल है, लेकिन स्थानीय तौर पर केंद्रीय मंत्री और सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते और होशंगाबाद के सांसद राव उदय प्रताप सिंह ने पिछले 5 दिनों से कड़ी मेहनत करके यह व्यवस्था बनाई है। अब देखना यह है कि आने वाले समय में वास्तव में यह रैली और यह जन आशीर्वाद यात्रा भाजपा को कितना और राजनीतिक रूप से सुदृढ़ बनाएगी। धन्यवाद। हमारे पदाधिकारी हैं।